अस्सलामुअलैकुम। आज मैं माजी के लजीज खाने में आलू गोभी बना रही हूँ। ये गोभी है, ये मैंने काट के और इसे भिगो दिया था। अब इसको मैं पानी इसका निकालूँगी, ठीक है। ये आलू हैं, ये टमाटर हैं, ये प्याज है, ये हरी मिर्च है और ये हरा धनिया है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले ये आलू जो हैं, ये मैंने इसके अंदर पतीली के अंदर एक कपगीर ऑयल डाला है। अब मैं ऑयल के अंदर ये आलू आलू को फ्राई कर रही हूँ ऑयल के अंदर, ठीक है। अब ये फ्राई हो रहे हैं, मैंने ये गोभी का पानी निकाल रही हूँ, ठीक है। ये गोभी, इसमें जरा भी पानी नहीं पड़ता है, ये सिर्फ धोई जाती है। ये चली जा रही है, ये चली जा रही है, ये आलू चले जा रहे हैं, ये इसी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता फ्राई होने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले हमने इन्हें आलुओं को तला है। ये मैं आलू गोभी बना रही हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँगी, ये सफ़ेद ज़ीरा है थोड़ा, ये हमने सफ़ेद ज़ीरा भी ले लिया है, ये सफ़ेद ज़ीरा। अब मैं इसे तवे के ऊपर डालूँगी और हल्की आँच में इसको भून लूँगी, ठीक है। ये हल्की आँच पे ये भून रहा है, ये मैंने बंद कर दिया है चूल्हा। अब ये हल्की आँच पे ये कितनी खुशबू आने लगी है, ये भून चुका है, ठीक है। अब मैं इसको पीस लूँगी, इसे मैं डालूँगी और इसे मैं पीस लूँगी, ठीक है। ये देखें, ये रहा, अभी ये ठंडा होगा, फिर मैं इसे, ये आलू फ्राई हो रहे हैं, इन्हें मैं फ्राई करके एक प्लेट में निकाल लूँगी, ठीक है। ये देखिए, ऐसे तो गोभी हर तरीके से बनती है, गोश्त में ही बनाई जाती है और आलू गोभी भी बनती है और चीज़ों में भी बनती है दाल डाल के, लेकिन ये है कि ये आज मैं सिर्फ आलू गोभी बना रही हूँ। हर आदमी का अपना अपना बनाने का तरीका होता है। मैं आपको जो सिखा रही हूँ, इसमें पानी ज़रा भी नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पानी नहीं डालना है। ये फ्राई किया है हमने, अब देखें ये फ्राई हो रहे हैं। अब जी बोलना जो, अच्छा अब ये देखें, ये आलू फ्राई हो गए हैं। अब मैं इन्हें एक प्लेट के अंदर निकाल लूँगी, ठीक है। ये देखें, ये आलू फ्राई हो चुके हैं, ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये मैं अब मैं निकाल रही हूँ, ये देखें। ये आलू फ्राई हो गए हैं आपको, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये हो गए। अब मैं इसके अंदर डालूंगी, ये एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच मेरा छठी हुई, एक चम्मच मैं डालूंगी इसमें मेरा कुटी हुई, ये कुटी हुई एक मिनट डाल दी मैंने। और इसके अंदर थोड़ी सी मैं एक चम्मच छोटा चम्मच ये हल्दी डालूंगी, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा पानी डाल के भून लूँगी, थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है ताकि मसाला ना गल जाए और अच्छी तरह भून जाए, ठीक है।
ये देखो, ये मेरा मसाला जो है धनिया, ये जो है तेल, ये डाला है पानी ताकि ये जल ना जाए। अब ये भून रहा है, ये देखो ये मसाला भून रहा है, ये ऑयल आ रहा है ऊपर, ये ऑयल आ गया है। ये देखो ये मसाला भून गया है, मसाला भून गया है। अब मैं इसमें ये गोभी डाल दूंगी, तो गोभी डाली है मैंने, अब मैं उसको फिर मसाले में भून रही हूँ। ये टमाटर डालने हैं, ये इसी पानी में ये भूनेगा और हल्की आंच करूँगी मैं, इसी में ये गलेगा। जब अब ये देखो ये हो रहा है, ये गल जाएगा, ठीक है। और ये मैंने जीरा है, ये जीरा मैंने पीस लिया है, ठीक है, ये पीस लिया है, दिल के ऊपर पीसा है। ये देखो ये बन गया है, इसकी आँच हल्की करूँगी, इसे बंद करूँगी और 5 मिनट के बाद जब ये गलेगा फिर मैं आपको बताऊँगी। अब ये मैं देख रही हूँ कि ये गोभी भाप में आ गई है, ये देखो ये गोभी भाप में गल चुकी है, ठीक है। ये देखो ये ऐसी हो गई है, ये देखो ये हो गई है। अब मैं इसके अंदर ये आलू जो मैंने तले थे, अब मैं इनको ऐड कर दूंगी। अब ये आलू भी इसी भाप के अंदर आ जाएंगे, फिर जब ये तैयार हो जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसी बनी है। आप लोग भी कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ठीक है। अभी ये मैं इसी आँच पे डाल रही हूँ, अभी थोड़ी देर बाद ये दम में आ जाएंगे, आलू गल जाएंगे, ठीक है। फिर थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ये मैं देख रही हूँ, ये आलू गोभी बन गई है, ये देखें बगैर पानी के, बगैर मैंने पानी के इसको बनाया है। और ये देखिए कितनी, देखिए देखने में कैसी लग रही है। अब मैं आपको दिखाऊँ, अब मैं इसको निकालूंगी डिश में निकालूंगी, डोंगे में निकाल के अब मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये देखिए, ये है। अब मैं इसके अंदर ये गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, ये देखिए। ऊपर से मैंने इसके अंदर थोड़ी सी ये हरी मिर्च डाल दी है, ऊपर से ये मैंने हरा धनिया डाला है, ये देखिए। अब ये आलू गोभी तैयार है। अगर आपको ये पसंद आए तो आप कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। माँ जी के लजीज खाने में आप इस आलू गोभी की रेसिपी को लाइक कीजिएगा और बनाकर खाइएगा, खिलाइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। जब तक अब मैं दोबारा दूसरी रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।